Hello, welcome to our YouTube channel महात्मा एकेडमी. This is Abhishek and today we are going to discuss physics syllabus. Okay, तो आज जो हम लोग physics के syllabus को discuss करने जा रहे हैं 2021 और 22 में जो आपका physics का syllabus रहने वाला है उसको हम लोग discuss करने जा रहे हैं. Okay, तो आपको सबसे पहले हम pattern को समझा देते हैं. Pattern जो आपका रहने वाला है वो जो 2020 में फॉलो हुआ था, 2020 और 21 में जो पैटर्न फॉलो हुआ था सेम पैटर्न आपका 2021 में भी फॉलो होने जा रहा है. ओके, 2021 और 22 में भी फॉलो होने जा रहा है. अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि 2020 और 21 में जो था वही सेम फॉलो होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो कहर है वो घटा नहीं है इस कारण. अब बात करें कि इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले आपका क्या होता था कि अभी तो 2020 और 21 का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले आपका टोटल 42 ऑब्जेक्टिव आते थे जिसमें से आपको 35 बनाने होते थे. लेकिन अब क्या हुआ कि अब सब कुछ डबल हो गया है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब डबल आएंगे और आपको 50% बनाने होंगे. ठीक है, ऐसा होता है. ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें कोई कटौती नहीं हुआ था. बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बोला कि सिलेबस घटिया है, ये हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था. हम पिछले साल भी शुरू से लेकर अंत तक बोलते रहे थे कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगा, आपका चैप्टर 1 से लेकर जितना तक चैप्टर है चैप्टर 15 तक आपका आएगा तो आएगा, 1 to 15 आएगा तो आएगा. ऐसा हमने बोला था और ऐसा हुआ भी था. ठीक है, बस क्या हुआ था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए थे तो इसके कारण जो है आपको क्वेश्चन कम बनाने का मौका मिला था. ओके, अब देखो, अब आपको सबसे पहले पैटर्न के बारे में बता दे, तो आपका जो टोटल टाइमिंग रहने वाला है पेपर के लिए वो 3 आवर्स रहने वाला है. 3 घंटे का आपका पेपर होगा. टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे हर एक 1 मार्क्स का. ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, सबके 1 मार्क्स होंगे. ओके, अब 70 में से बनाने कितने हैं, क्या 70 में 70 बनाना है? नहीं, 70 में 70 आपको नहीं बनाना है, आपको 70 में 70 नहीं बनाना है, आपको बस 35 क्वेश्चन बनाने होंगे. कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 35 क्वेश्चन. और 35 क्वेश्चन कौन से? जो आपको मन करे. 70 क्वेश्चन जो आएंगे, 70 क्वेश्चन में से कोई भी 35 क्वेश्चन तुम बना सकते हो. जो आपको हल्का लग रहा है, जो आपको आता है, वो 35 क्वेश्चन बना सकते हो. अब बोलेगा कोई कि अच्छा 35 है, तो हम मान लीजिए कि 35 ना बना के हम 36 बना देते हैं. अगर गलती से एक क्वेश्चन ज्यादा बना दे तो आपके साथ होगा क्या कि जो आपका स्टार्टिंग का 35 क्वेश्चन होगा, वो आपके चेक किए जाएंगे. अब भले ही 36वां नंबर सही ही क्यों ना हो और 35 क्वेश्चन में 10 गलत ही क्यों ना हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है. आपका स्टार्टिंग का जो 35 क्वेश्चन होगा वही चेक किया जाएगा, लास्ट के जो क्वेश्चन आप बना के आओगे उसको चेक नहीं किया जाएगा. ओके, तो ये बात रही. तो आपको बनाने कितने होंगे? 35 क्वेश्चन बनाने होंगे. 70 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 35 क्वेश्चन बनाने होंगे. तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का पैटर्न. अब हम बात करें सब्जेक्टिव का. तो सब्जेक्टिव में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन होंगे आपको 2 मार्क्स वाले. ठीक है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब छोटे छोटे आंसर लिखने वाले, 2 लाइन के 3 लाइन के आंसर लिखने वाले, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफिनेशन टाइप क्वेश्चन. ओके, तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और जिसमें से आपको बनाना कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको बनाना है. ठीक है, 10 क्वेश्चन ही आपको बनाना है. कोई भी 10 क्वेश्चन तुम उसमें बना सकते हो. जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आप बना सकते हो. हर एक के 2 मार्क्स होंगे. कहने का मतलब अगर 10 क्वेश्चन तुम बनाते हो हर एक 2 मार्क्स का, तो मतलब 20 मार्क्स आपका यहां से आ जाएगा. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन से. अब बात करें अगला जो टाइप है सब्जेक्टिव में वो क्या है, तो वो 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे. 6 जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आएंगे. ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि बड़े बड़े आंसर आपको लिखने होंगे, एक पेज के एक आंसर आपको लिखने होंगे. डेरिवेशन होगा इसमें. ठीक है, इसमें क्या होगा, डेरिवेशन होगा. और डेरिवेशन आपका हम बता देंगे लास्ट में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का आपको वीडियो ला के देंगे, अभी नहीं, लास्ट में नवंबर दिसंबर के समय. ठीक है, तो उससे पहले भी, एक महीना पहले, मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट वीडियो देंगे, जिसमें आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब आपको उसमें मेंशन किए रहेंगे और सबको समझाए रहेंगे हम. तो वो जो है आपको डेरिवेशन अच्छे से कर लेने हो, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन तो आपके डेरिवेशन से होते हैं, लेकिन आपको बनाने कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं. तो 3 क्वेश्चन कोई भी आपको 6 क्वेश्चन में से बनाने होंगे. और 3 क्वेश्चन बना के आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो? 15 मार्क्स स्कोर करोगे. क्यों? क्योंकि हर एक जो है 5 मार्क्स का होगा. तो 3 क्वेश्चन बनाओगे तो 15 नंबर आएगा. ठीक है, तो ये बात रहा, ये सब्जेक्टिव का रहा. तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है. अब जो टोटल मार्क्स रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं. तो टोटल जो है आपका
पेपर का, जो आप फिजिक्स का पेपर एग्जाम में सेंटर पे बैठ के दोगे, वो जो है आपका 35 ऑब्जेक्टिव, 22 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो टोटल अगर तुम ऐड करते हो तो 70 मार्क्स के आपका जो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 70 नंबर के पेपर होने वाले। ओके, अब पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, अब 70 मार्क्स का है, 30 नंबर कहां गया? तो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको 27-28 आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बस प्रैक्टिकल आपको अच्छे से लिखने होंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी के प्रैक्टिकल हम आपको चैनल पे अपलोड करके देंगे। ठीक है, अब टोटल जो है आपका 70 + 30 जो है आपको कितने होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 में आपको अगर 75+ आता है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो 75+ अगर आता है तब, लेकिन आपको कितने लाने हैं, आपको इससे ज्यादा लाने की कोशिश करना है, आपको लगभग 80+ तो लाना ही होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हमने इस पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दिया है। अब आपको बस समझना क्या है, तो यूनिट वन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये जो है आपको सबसे पहले यहाँ 10 मार्क्स क्यों लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, यूनिट पे ध्यान दो, चैप्टर का बात नहीं करें, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, अध्याय 1 और अध्याय 2। ठीक है, अब अध्याय 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटांस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिलके आपके टोटल 10 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स भी हम आपको चैनल पे अपलोड करके देंगे, आप बस अच्छे से वीडियो को शेयर करते रहिए, हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे जो है, आगे आपका यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 आपका क्या है, तो यूनिट 2 आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका 5 मार्क्स कैरी करता है। ओके, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कितना मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स कैरी करता है। इसमें एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप 5 मार्क्स के बना क्या होगी, ये एनसीईआरटी का मार्किंग है। देखो, अब ये बोलोगे कि ये इतना, इससे ज्यादा अगर आ गया तब तो आएगा, इससे ज्यादा मतलब कि आपका हो सकता है 10 नंबर का करेंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन हो सकता है। अब हम आपको बता रहे थे कि ये बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम नहीं है, हम आपको इस वीडियो में एकदम सही सही बता रहे हैं कि ये बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम नहीं है। अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है तो वो एनसीईआरटी का मार्किंग स्कीम है। आपका फॉलो कौन सा बुक होता है, एनसीईआरटी फॉलो होता है, इसलिए एनसीईआरटी का मार्किंग स्कीम है कि 5 नंबर का आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी में से देना ही देना है। तो 5 मार्क्स के तो आपके आएंगे, अब इससे ऊपर हो सकते हैं लेकिन इससे नीचे नहीं हो सकते। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, हम इसमें बस एक ही चैप्टर आएगा, वैद्युत धारा। अब जो है यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे और यह यूनिट जो है 8 मार्क्स कैरी करेगा। पहला जो चैप्टर है चैप्टर 4 आपका क्या है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म मतलब गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो ये आपका अध्याय 4 होने वाला है। अध्याय 5 में क्या है, मतलब चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, ये आपका अध्याय 5 होने वाला है। ओके, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपके 5 चैप्टर हैं यूनिट 3 तक आपको हमने बता दिया। यूनिट 4 में क्या होने वाला है, तो आपका सेम यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, इसमें आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं, तो इसमें आपके जो है टोटल 2 चैप्टर आने वाले हैं। दोनों चैप्टर जो है आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और 7th जो चैप्टर है मतलब अध्याय 7 क्या है, तो आपका अल्टरनेटिंग करेंट है मतलब प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI तुम यहां लगा सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आपको एकदम परेशान नहीं होना है, आप कहीं क्लास नहीं भी करे हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको हम नोट्स देंगे। ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में हम आपको नोट्स देंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका 3 मार्क्स कैरी करता है यह यूनिट जो है, यूनिट 5 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह 3 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से आपको एक ही चैप्टर आता है। इसमें चैप्टर 8 है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब अध्याय 8, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, अब 3 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है कि इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब मेन चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर आपका, सबसे इजी चैप्टर आपका आ रहा है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ऑप्टिक्स जो है आपका 14 मार्क्स कैरी करता है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो ऑप्टिक्स से आता है। अगर तुम इस चैप्टर को कर लेते हो और शुरू का 2 चैप्टर कर लेते हो तो तुम इतने में पास हो जाओगे। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ के तुम पास हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 अध्याय 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, ये अध्याय 9 है। अध्याय 10 क्या होने वाला है आपका, तो वेव ऑप्टिक्स है। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। ओके, तो ये आपका क्या है, ऑप्टिक्स का 2 चैप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो भी आपके डेरिवेशन आएंगे 5 मार्क्स वाले जो डेरिवेशन आएंगे वो इन्हीं दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा होने वाला, और ये दोनों चैप्टर का जो डेरिवेशन है वो इजी भी होने वाला है। ठीक है, इजी भी है, तो इसलिए ये दोनों को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो है, आगे हम चलते हैं, आगे आपका यूनिट 7 है। यूनिट 7 इज व्हाट, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो है आपके 4 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें एक चैप्टर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ओके, तो ये आपका अध्याय 11 हो गया। अब अध्याय 11 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं यहां से। अब देखो, अब यूनिट 8 पे हम चलते हैं। यूनिट 8 में 2 चैप्टर आएगा। यूनिट 8 क्या है, न्यूक्लियाई। क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यूनिट 8 क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ओके, यूनिट 8 क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये जो है 6 मार्क्स कैरी करता है। अब इसमें चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आता है, अध्याय 12 और अध्याय 13 आता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अध्याय 12 और अध्याय 13 इसमें आते हैं। ओके, अब देखो यहां पे अध्याय 12 आपका क्या है, एटम्स है, मतलब परमाणु। अध्याय 13 क्या है आपका, न्यूक्लियाई है, मतलब नाभिक। ओके, तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके भी आपको नोट्स मिलेंगे, सभी चैप्टर के नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे होंगे चैनल पे। पिछले साल का किया भी हुआ है और इस साल का भी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा बहुत जल्द। चैप्टर 9 क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चैप्टर 9 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यूनिट 9 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। यूनिट 9 क्या है, यूनिट 9 इज व्हाट, तो योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब ये जो है 8 मार्क्स कैरी करता है। यहां से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक ही चैप्टर है, अध्याय 14। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अर्धचालक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ओके, तो ये अध्याय 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं जो आपके क्वेश्चन होते हैं गेट वाला। ठीक है, वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब अध्याय 10, यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें मात्र एक ही अध्याय आता है, एक ही चैप्टर आता है, और ये जो है 4 मार्क्स कैरी करता है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां से इजी क्वेश्चन आते हैं और इसको हिंदी में संचार व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, सॉरी टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 15 चैप्टर्स है। अगर तुम 15 में से, इस 15 चैप्टर में से तुमको कितने चैप्टर करने होंगे, अगर तुम इन 15 चैप्टर में टोटल तुम अगर 12 चैप्टर कर लेते हो, 12 नहीं 10 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, 10 चैप्टर अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम 70 out of 70 स्कोर करोगे। अगर तुम 10 चैप्टर अच्छे से स्कोर कर, 10 चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हो, मतलब एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट को अगर तुम कवर कर लेते हो तो तुम इजिली 70 out of 70 स्कोर करोगे। ठीक है, 70 out of 70 अच्छे से स्कोर
कर सकते हो। अगर तुम 10 चैप्टर ही करते हो तो अब 10 कौन कौन से चैप्टर है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 10 आपके कौन कौन से चैप्टर है हम आपको नोट करिएगा, जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर 15 हो गया, ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर 15 हो गया, आप नोट करते चलना, ठीक है। चैप्टर 15 के बाद आपको हम बता दें कि उसके बाद आपका चैप्टर 14 हो गया, चैप्टर 14, ठीक है, चैप्टर 14 के बाद आपका चैप्टर 9 और 10, चार चैप्टर हुए, चार चैप्टर, चैप्टर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, 5 हुआ, उसके बाद 1 से 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 और फिर चैप्टर 7, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 15, ठीक है, चैप्टर 15 और चैप्टर 14। ये 10 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो, अगर ये 10 चैप्टर तुम कर लेते हो तो तुमको 70 आने में, 70/70 आने में कोई नहीं रोक सकता। और 70 इधर से तुम मान लो 70 नहीं तो आपको 60 मार्क्स अगर आ जाता है, और प्लस में आपको उधर जो आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर में उसमें आपको मुश्किल से काटेगा भी, कितना भी काटे तो 25 तो देगा ही देगा। तो ये हो गया आपका 85 मार्क्स। अगर फिजिक्स में 85 आ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो में यही बताना था फिजिक्स के चैप्टर, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। अगर इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, जितने ज्यादा लाइक आएंगे, अगर 200, हमारा टारगेट है 200 प्लस लाइक, अगर 200 प्लस लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे तो हम आपको अगला केमिस्ट्री का सिलेबस देंगे, ठीक है। अगर 200 प्लस नहीं आते हैं तो नहीं देंगे, अगर 200 प्लस आते हैं तो हम आपको अगला केमिस्ट्री का सिलेबस देंगे। तो जल्दी से जल्दी 200 प्लस लाइक्स पुरवाओ, आपको केमिस्ट्री का सिलेबस मिलेगा। इसी तरीके से पैटर्न के साथ आपको हर एक चीज समझाया जाएगा, हर एक टॉपिक पे आपका बात होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।